नबी का सर चाहिए, कुर्ता के नबी का सर चाहिए, कुर्ता के नबी का सर चाहिए, कुर्ता के नबी का सर चाहिए। और नौजवान वो आके हिंदुस्तानी करा रहे हैं कि जनाब हम तो किसी गलत फहमी में रहे, हम तो हजरत को पहचान ना सके। अब जब तक हमारे कानों में उनका आवाज पड़ी है कि उनकी जिंदगी का मकसद था कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाना और इस्लाम को निज़ाम हुकूमत में शामिल करना और इस्लामी तर्ज हुकूमत रखना, तो उसके ऊपर पाकिस्तान को उस नहज पे लेके चलना जिस नहज के लिए पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान को सही मानों पर उस ट्रैक पर लाना जिसके लिए पाकिस्तान बनते हुए नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रिसेंटली 10 मिनट अगर पाक पतन में तंजीम साजी हुई है तो ये पूरे पंजाब में हुई और बहुत सारी जो यूथ है वो आपके साथ उन्होंने वाबस्तगी इख्तियार की है, लेकिन यूथ के लिए ना तो आपने कोई प्लानिंग की है ना तंजीम साजी ने उसमें स्टेज में हिस्सा रखा है। मुख्तलिफ जो सियासी और मजहबी जमातें हैं उनके जो यूथ के विंग्स हैं, जबकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी ये तरीके तालिबान अपना सॉरी टू से तरीके बैक पाकिस्तान में अभी कोई यूथ की तंजीम नहीं है, इस बारे में फ्यूचर प्लान है आपका? हमारे 5 शोबे हैं जो इस वक्त फाल हो चुके हैं, डॉक्टर्स का, वकला का, ताजरों का, तलबा का और किसान का। ये तकरीबन 5 शोबे हैं जो हमारे इस टाइम फाल हो चुके हैं। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अभी तक ऐलान नहीं हुआ जो तलबा के हैं स्टूडेंट विंग यूथ विंग उसका, लेकिन हमारे खानेवाल के राव रजाउल्लाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ये माशाल्लाह अभी इन्होंने पीछे कन्वेंशन किए हैं, इनको यूथ विंग का सदर बनाया है खानेवाल में, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में। इंशाल्लाह जल्द डिस्ट्रिक्ट पाकपतन और सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐलान हो जाएगा और ये काम शुरू है। और माशाल्लाह इन्होंने सिर्फ अभी करीब ही में कन्वेंशन किया है यूथ का, वो 1500 लड़कों पर। और आप ये कह रहे हैं कि प्लानिंग नहीं है, आप हाँ हमारी प्लानिंग इंशाल्लाह आप जब देखेंगे, तो अभी हम मैदान में आए हैं, अभी आपको हमने सारे चीज़ें खोल कर नहीं दिखाई, इंशाल्लाह वक्त आएगा आपको दिखाएंगे तो आप हैरान होंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान किस तरह ग्रास रूट लेवल तक पाकिस्तान में काम कर रही है। अच्छा रिफी साहब बताइएगा, जो अपोजिशन की 11 जमातें हुकूमत के खिलाफ चला रही है तहरीक, क्या आप उसकी हिमायत करते हैं? अपोजिशन की जमातें हुकूमत के खिलाफ क्या तहरीक चला रही है पहले तो ये बताएं। वो हुकूमत गिराना चाहते हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, गिराना चाहते हैं, वो तो अपने मफादात के लिए तहरीक चला रहे हैं, कहीं भी ये नहीं है कि वो हुकूमत गिराना चाहते हैं, वो तो सेटलमेंट। बट अपोजिशन बड़े दावे कर रही है कि हम